आपको एक खतरनाक और जबरदस्त गुजराती लीडर के बारे में बोल रही हूँ। वो जो पब्लिसिटी प्रधानमंत्री है, बार बार मन की बात और जन की बात बोलता है रेडियो में आके, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट को न जाता है। और 5 करोड़ आंध्र लोगों का मन की बात और जन की बात उसको समझ में ना ही आता है और ना सुनता है। और जो गुजराती प्रधानमंत्री जी बोलता है कि हम करप्शन से लड़ेंगे, लेकिन उनका गवर्नमेंट ही करप्शन करता है राफेल स्कैम में। और वो लीडर बोलता है कि बेटी बचाओ, और उनका मंत्री और एमएलए उन्हीं लड़कियों का हरासमेंट करता है। और वो प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश को आके मिट्टी और पानी लेकर आके 5 साल नहीं 10 साल आपको स्पेशल स्टेटस होना है बोलता है, और पार्लियामेंट में जवाब नहीं देता है, यू टर्न लेके दूसरे देशों को चले जाता है। और ये बोला वो बोला सब कुछ बोला, गंगा प्रक्षालन बोला, 7,000 करोड़ों को स्वाहा भी किया, लेकिन एक पानी का बूंद भी प्रक्षालन नहीं किया। ब्लैक मनी के बारे में उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में जमा करता है बोल के, अभी तक 15 पैसा भी जमा नहीं किया। उल्टा से डिमोनेटाइजेशन करके गरीबों और मिडिल क्लास को पूरा पैसा लेकर कॉरपोरेट कंपनीज को बैलेंस शीट क्लियर कर दिया। उन्होंने मेड इन इंडिया बोलता है, मेक इन इंडिया बोलता है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, सब इंडिया बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी इंडिया में नहीं रहता है। और प्रधानमंत्री जी आप इतना सा अच्छा स्पीकर है, झूठा हामी देता है इलेक्शन में कैसा अधिकार में आने के लिए, आप थोड़ा सा एपी बीजेपी लीडर्स को अच्छा सा क्लास ले लो जी सर। उन्होंने एपी बीजेपी लीडर्स को कुछ भी दिमाग ही नहीं है और उनको मालूम ही नहीं है कैसा इलेक्शन में प्रमोट करना है पार्टी को, बीजेपी पार्टी को। आईटी, सीबीआई, ईडी सब राजांग संस्था को आपको आप दोस्त बना के साउथ इंडिया में उसको प्रयोग करता है। आपका ग्राफ ऐसा एवरेस्ट से अभी गली में आ गया। प्रधानमंत्री जी आप एक बार रेडियो से बाहर आके आपका ग्राफ देखो जी, और हमारा आंध्र प्रदेश को एक बार आके हमारा मिट्टी और पानी का सत्कार ले लीजिए, तो आपको मालूम पड़ता है आंध्र में लोग कैसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। अभी छोटा सा बच्चों को भी आंध्र में मालूम है कि आंध्र और तेलंगाना में आपका रहस्य राज की मित्र कौन है। और आपको भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं है, केवल इलेक्शन का प्रधानमंत्री है। इलेक्शन प्रधानमंत्री जी आप थोड़ा सा सुनो, पूरा पूरा भारत देश में आपका ग्राफ नीचे 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 आ रही है। आप इतना, हमारा चंद्रबाबू नायडू जी विजनरी लीडर है, आप कितना भी कुट्रा करो चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश को नंबर वन स्टेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी अभी हम हमारा मातृभाषा में आपको विनप कर रहे हैं, 5 करोड़ आंध्र लोगों के मन की बात और जन की बात आप भी सुनिए। एक बार आप आंध्र को आओ और हमारा मन की बात सुनिए। ప్రధానమంత్రి గారు, మీరు ఇప్పటి వరకు మీకు అంటే ఇచ్చిన హామీలని నిలబెట్టుకోవడం చేత కాక చేయలేక ఏదో బూటకపు, అంటే మీరు మొదటి నుంచి కూడా ఎలక్షన్ ప్రధానమంత్రి గారు లాగానే ఉన్నారు కాబట్టి ఆంధ్రాలో కూడా సహజంగా ఇచ్చేసిన హామీలని నిలబెట్టుకోవడము మీకు చేత కాక మిడిమిడి పరిజ్ఞానం, మిడిమిడి రాజకీయ పరిజ్ఞానము, కనీసము ఒక రాజ్యసభ ఎంపీలాగా ఉండి అలాంటి వ్యక్తి తన పార్టీ గురించి, తన పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను గురించి, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న తీరు తెన్నుల గురించి కూడా కనీస అవగాహన కూడా లేకుండా గొడ్డొచ్చి చేలో పడ్డట్టుగా ఆంధ్ర మీడియా ముందు పడి ఆంధ్ర ప్రజల ముందుకు వస్తుంటే ప్రజలంతా విసుగెత్తిపోతూ ఉన్నారు. హోమ్ మినిస్టర్ అంటే ఒక దేశానికి హోమ్ మినిస్టర్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మినిస్టర్ లాగా ఛార్జ్ తీసుకున్న అతను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రోజున దేశం మొత్తంలో ఒక అతిపెద్ద విపత్తు లాగా శ్రీకాకుళంలో విజయనగరంలో వచ్చిన తిత్లీ హిట్ అయింది. అలాంటి తిత్లీ వచ్చిన సందర్భంలో మీరు హోమ్ మినిస్టర్ గారు అసలు ఒక కార్యకర్త కూడా సరిగ్గా నిజంగా చెప్పాలంటే గట్టిగా ఏమాత్రము భాజపాకి బలం లేని ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చి తమ పార్టీ ఆఫీస్కి శంకుస్థాపన అంటే ఓపెనింగ్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తప్పితే హోమ్ మినిస్టర్ గారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి ఏమాత్రం